Hello student, now today we will see temperature dependence of resistance. कि conductor में जब हम temperature बढ़ाते हैं तो resistance पे क्या फर्क पड़ता है, अब हम ये देखेंगे. Suppose ये आपका क्या है, एक conductor है. Suppose this is a conductor, ठीक है, ये हमारा क्या है, conductor है. Okay, अभी यहाँ पे ये electrons हैं, ये आपके प्रॉपरली एक मोशन में चल रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपके ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन आपके सारे चल रहे हैं. बट जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं, जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं, तो इनकी जो मूवमेंट है ये और रैंडम हो जाती है. इनकी जो मूवमेंट है, ये सपोज ये ऐसे हैं, सेम कंडीशन, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, ये जो रैंडम हो जाएगी मूवमेंट और ज्यादा रैंडम हो जाएगी, तो फ्लो ऑफ करंट जो है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. तो इसका मतलब ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस. INCREASES. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस. तो यहाँ पे सपोज इक्वेशन क्या बनती है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इन टू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी. आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इन टू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी. डेल्टा टी यहाँ पे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर. आर टी क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी. आर नॉट क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर जीरो डिग्री. और अल्फा क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. अल्फा यहां पे है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है. अच्छा, इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं. क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी हम इसे कभी कभी कहते हैं. अब यहां पे ये जो इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो डेल्टा टी को वी कैन राइट इट लाइक दैट, व्हाट वी कैन राइट इट, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा T माइनस टी नॉट. टी नॉट इज वॉट, टी नॉट इज अवर इनिशियल टेम्परेचर एंड टी इस टेम्परेचर तक आप लेके गए हैं. सपोज मान लो आपका टी वन एट टी वन, आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, आपका आर वन है. और एट टी टू आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, आपका आर टू है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, आर टू इज इक्वल टू R1 into 1 plus alpha T2 minus T1. इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे. ओके, अच्छा कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, सपोज लेट मी टेल यू, समटाइम्स क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हमें क्या दिया हुआ है, T1 पे आपका जो रेजिस्टेंस है, टी वन पे आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें आर वन, टी टू पे जो है वो रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है आर टू. अब आपसे बोल दिया गया फाइंड रेजिस्टेंस एट जीरो.
तो हम कैसे फाइंड करेंगे? इसको हम मान लेते हैं लेट इट बी आर नॉट, ठीक है। तो पहले T1 और R0 को लेके चलो, इसका मतलब R1 is equal to क्या हो जाएगा, R0 into 1 plus alpha T1 minus 0 क्या हो जाएगा, T1, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या हो जाएगा, R1 is equal to R0 plus R0 alpha T1, तो इधर आ जाएगा, इसका मतलब R1 minus R0 upon में R0 is equal to alpha T1, ये equation बन गई। तो इसी तरीके से similarly क्या हो जाएगा आपका, R2 minus R0 upon में R0 is equal to alpha T2, ये हो गई 2। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, divide कर देंगे। तो देखो जब आप divide करेंगे तो आपका क्या आएगा, R1 minus R0 upon में R2 minus R0, क्योंकि R0 R0 कट जाएंगे और इसमें alpha alpha कट जाएंगे, is equal to T1 by T2। यहां से आप R0 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला क्या है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन, एस ई आर सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला क्या है हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सपोज तीन रेजिस्टेंस हैं, ये है आपका क्या, आर वन, देन आर टू, देन आर थ्री। हमारे तीन रेजिस्टेंस हैं R1, R2 एंड R3, ये हमने सोर्स से कनेक्ट कर दिया, वी हैव कनेक्टेड टू द सोर्स, ठीक है। सपोज ये क्या है आपका R1, ये आपका क्या है R2, ये आपका क्या है R3, इसकी V सप्लाई है। तो देखिए जो R1 है ये इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में है, R2 इन दोनों के बीच में है, और R3 इन दोनों के बीच में, R1, R2, R3। तो ये अलग टर्मिनल, एकदम अलग टर्मिनल। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है, सपोज ये क्या हो जाएगा V1, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा V2, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा V3। बट एक ही वायर से सारे कनेक्टेड हैं, तो जो I करंट फ्लो करेगा वही I करंट यहाँ से भी पास होगा, सेम करंट विल पास फ्रॉम R2 एंड सेम करंट विल पास फ्रॉम R3। दैट मींस व्हाट वी कंक्लूडेड इज, इन व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज तो करंट रिमेन सेम फॉर ऑल थ्री रेजिस्टेंस, बट द वोल्टेज वेरीज। तो जब टोटल वोल्टेज V है, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल वोल्टेज ये तीनों में जो वोल्टेज बटी वही उन तीनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। तो लेट्स पॉइंट व्हाट V1 इज, तो V1 इज इक्वल टू I इनटू R1, जो यहां पे वोल्टेज ड्रॉप है I इनटू R1, क्योंकि ये करंट इससे, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हो जाएगा I into R2, एंड जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो क्या हो जाएगा I into R3। V1, V2 is equal to I into R2, and V3 is equal to I into R3। तो टोटल V क्या हो जाएगा, V is equal to I into R equivalent। तो इसकी जगह पे अगर हम एक equivalent resistance लगाते हैं तो वो R equivalent हो जाएगा। अब ये वैल्यू तो उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पुटिंग दीज वैल्यूज ओवर हियर व्हाट वी विल गेट, आई इनटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। फ्रॉम हियर वी कैन टेक आई कॉमन, व्हाट वी विल गेट, आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। दिस आई एंड आई विल गेट कैंसल्ड आउट, एंड व्हाट वी विल गेट, that R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3. So whenever the resistance are connected in series, they will simply get sum up, and by summing them, we will get the equivalent resistance. So series में equivalent resistance निकालने के लिए हमें बस resistance को क्या करना है, sum up करना है. Now we will talk about parallel combination. अब parallel combination में देखते हैं कैसे connection होता है। ये आपका एक आया, ये हमारा हो गया resistance R1,
ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस आर टू, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस आर थ्री, आर वन आर टू और आर थ्री, ये हमारे तीन रेजिस्टेंस हो गए। ये हो गया हमारा आर वन, ये हो गया हमारा आर टू, ये हो गया हमारा आर थ्री, ये आपका आई करंट। अब देखिए यहां पे तीनों रेजिस्टेंस इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में है, सपोज ये टर्मिनल ए है, ये है बी, तो यहां पे अगर हम लिखें ऑल थ्री रेजिस्टेंस, ऑल थ्री रेजिस्टेंस आर बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, ए और बी के बीच में है, तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल विल बी सेम, तो दस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल विल बी सेम, क्योंकि ये दोनों सेम टर्मिनल्स के बीच में हैं। बट अब करंट की बात करें तो करंट आएगा तो तीन वायर हैं तो तीनों में क्या हो जाएगा, अलग अलग करंट जाएगा उनके रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो से इसमें करंट कितना गया आई वन, इसमें करंट कितना गया आई टू, इसमें करंट कितना गया आई थ्री, तो ये आई करंट ही तीनों में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या पता चला, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, तो जो आपका करंट है वो तीनों करंट का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ये अभी हम किरचॉफ लॉ एक है उसमें भी हम देखेंगे कैसे। तो आई इज इक्वल टू, फिलहाल आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। अब हम देखते हैं आई वन, हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आर, तो इसका मतलब आई वन इज इक्वल टू V बाई आर वन, सिमिलरली आई टू इज इक्वल टू V बाई आर टू एंड आई थ्री इज इक्वल टू V बाय आर थ्री, ये आपका क्या आ गया आई वन आ गया, आई टू आ गया और आई थ्री आ गया। बट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा V अपॉन में आर इक्विवेलेंट। सिमिलरली जैसे पहले किया था हम आई वन आई टू आई थ्री एंड आई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, विल गेट हियर वी अपॉन में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वी बाय आर वन प्लस वी बाय आर टू प्लस वी बाय आर थ्री। अब यहां से वी कॉमन ले लेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा वी अपॉन में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, वी आपने कॉमन ले लिया, वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री, वी से वी विल गेट कैंसल आउट, इसका मतलब वन बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री, ये हमारा क्या आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसको अपॉन में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके अच्छा ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। आपको एक चीज और है, जनरली जब दो रेजिस्टेंस हैं, मान लो ये तो हो गया, अगर मान लो केवल दो रेजिस्टेंस होते तो हम लोग कई बार ऐसे करके ले लेते हैं शॉर्टकट में, इक्वेशन होती है क्या कि वन बाई आर इक्विवेलेंट, दो रेजिस्टेंस हैं तो क्या हो जाएगा वन बाई आर वन प्लस वन बाय आर टू, इसका मतलब वन बाई आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा आपका आर वन आर टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर टू प्लस आर वन, इसका मतलब वन बाय आर इक्विवेलेंट आपका ये आ गया, इसका मतलब आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ये रेसिप्रोकल आर वन आर टू अपॉन में आर वन प्लस आर टू। ठीक है, इसमें एक कंडीशन आती है, अगर से आर वन आर टू की वैल्यू सेम है, अगर आर वन आर टू की वैल्यू क्या है सेम है, तो यहाँ पे देखो अगर आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर है तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में टू आर, आर से आर कट गया तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सिंपल आर बाई टू, जैसे 10 ओम और 10 ओम पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 5 ओम, 5 ओम 5 ओम पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2.5 ओम। ऐसे अगर थ्री रेजिस्टेंस होते हैं, सपोज आर वन आर टू और आर थ्री किसमें कनेक्टेड है पैरेलल में कनेक्टेड है ये तीनों, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आर बाई
थ्री, हाँ आर वन आर टू आर थ्री दोनों इक्वल होने चाहिए। जैसे टेन 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 पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टेन बाय थ्री। दो टेन पैरेलल में कनेक्टेड तो टेन बाय टू। तो इस तरीके से हम फटाफट जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं।